हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 8253 एंड 8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर क्या होते हैं और इनका आर्किटेक्चर क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8253 से। तो ये दोनों ही हमारे प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर होते हैं, मतलब दे आर यूज टू परफॉर्म टाइमिंग एंड काउंटिंग फंक्शंस। दे आर यूज टू परफॉर्म टाइमिंग एंड काउंटिंग फंक्शंस। ये टाइमिंग और काउंटर की तरह यूज़ होते हैं और इनमें क्या होता है कि तीन इंडिपेंडेंट 16-बिट डाउन काउंटर्स यूज़ होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 16-बिट के तीन अलग अलग काउंटर्स, डाउन काउंटर्स यूज़ होते हैं। और ये क्या होते हैं कि दे आर कंपेटिबल विद ऑल माइक्रो प्रोसेसर्स। दे आर कंपेटिबल विद ऑल माइक्रो प्रोसेसर्स एंड दे कैन बी प्रोग्राम फॉर आइदर बाइनरी और बीसीडी काउंट। ये कैसे भी प्रोग्राम कर सकते हैं इनको, चाहे तो हम इन्हें बाइनरी काउंटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बीसीडी काउंटर के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कि 8253 और 8254 में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है कि जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है 8253 की, वो 0 से 2.6 MHz तक वेरी करती है और इसकी 0 से 10 MHz तक वेरी करती है। और इसमें एनमोस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और इसमें एचमोस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और जो इसमें रीड बैक कमांड होती है, रीड बैक कमांड अवेलेबल नहीं होती है 8253 में, बस बट रीड बैक कमांड 8254 में अवेलेबल होती है। और रीड राइट ऑफ सेम काउंटर कैंट बी इंटरलीव्ड, मतलब इसमें सेम काउंटर से रीड राइट नहीं छोड़ा जा सकता, बट इसमें हम सेम काउंटर से इंटरलीव्ड मतलब छोड़ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल का दें तो अगर हमारे पास दो तीन काउंटर हैं और वो जो वर्क कर रहे हैं उनका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो हम जो दो सक्सेसिव सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको स्किप कर कर एक ही फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फीचर होता है 8254 में, बट 8253 में हमारे पास ये फीचर नहीं होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आर्किटेक्चर देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले डेटा बफर होता है। डेटा बस बफर 10 बिट का, कितने बिट का होता है हमारे पास, 10 बिट का। कैसे डिनोट करते हैं, D0 से लेकर D9 तक। उसके बाद वही सेम रीड राइट कंट्रोल लॉजिक होता है, जिसमें हमारे पास पहला फंक्शन रीड राइट A0 A1 और चिप सेलेक्ट, और ये हो गया हमारा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, और ये हमारी इंटरनल डेटा बस है। ये हमारा हो गया काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें तीन काउंटर्स होते हैं, 6 बिट के इंडिविजुअल, तो ये हर एक काउंटर 16 बिट का है। इसके बाद इसमें A0 और A1 की वजह से ये कौन सा काउंटर कब सेलेक्ट होगा, कि जब 0 0 होगा हमारे पास तो काउंटर 0 सेलेक्ट होगा, जब 0 1 होगा तो हमारे पास काउंटर 1 सेलेक्ट होगा, जब 1 0 होगा तो हमारे पास काउंटर 2 सेलेक्ट होगा, और जब 1 1 होगा तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सेलेक्ट होगा। तो अब देखते हैं कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर जब सेलेक्ट होता है तो उस केस में क्या हमारे चेंजेस आते हैं। ये आर्किटेक्चर अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे तो ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है 8051 से, 8251 से, बट इसमें क्या है कि जो इसकी इंटरफेसिंग है ना, और इंटरफेसिंग विद 8085 और 8086, उसमें थोड़ा सा चेंज किया आता है कि इसमें हमारे होते हैं 9 बिट्स, बट इसकी जो हम 2 बिट हैं वो हम इंटरनली उसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो बस ये चेंजेस आते हैं, बाकी जो कंप्लीट इंटरफेसिंग डायग्राम्स हैं विद 8085 एंड 8086 विद ऑफ 8253 और 8254 के, बिल्कुल सेम है ये एज ऑफ 8251 जो हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। स्टूडेंट्स, अगर 1 मार्क्स में आता है कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता क्या है, तो आप लिखिएगा कि इट इज़ यूज टू राइट अ कमांड वर्ड विच स्पेसिफाइज द काउंटर टू बी यूज, इट्स मोड एंड आइदर ए रीड राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। ये क्या करता है कि ये कमांड वर्ड जनरेट करता है, एज द नेम सजेक्ट्स, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या करेगा, कमांड वर्ड जनरेट करेगा जो कि स्पेसिफाई करेगी कि कौन सा काउंटर आउट ऑफ 0 1 2 कौन सा यूज होगा, कौन से मोड में यूज होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था मोड 0, मोड 1, मोड 2 की, जिसमें हैंडशेकिंग होती है, किसी में नहीं होती है। और एक चीज़ और बताएगा कि या तो रीड ऑपरेशन होना है या राइट ऑपरेशन होना है। तो अब हम ये टेबल जो बनाएंगे, ये बनाएंगे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर।
नाउ अब देखते हैं कि इसमें कौन सा कब सेलेक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम एज 1 को रखेंगे 00 11 00 11, और एक हम कंडीशन लेंगे डोंट केयर की। उसके बाद 01 01 01 01, और ये हमारा एक और डोंट केयर। अब हम क्या करेंगे, पहले रीड कराएंगे फिर राइट कराएंगे। तो पहली 4 बिट को रीड कराने के लिए हम 1 1 1 1 रखेंगे, और यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ का मतलब 0 रखेंगे, और फिर से रिपीट होगा हमारा 1। अब राइट कराने के लिए, जब रीड होगा तो राइट नहीं हो सकता है सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली, इसलिए हमारा 4 बिट पहले 0 रहेंगी, उसके बाद हमारा आएगा 1, फिर एक और 0। नाउ इसको 0 ना लेने की बजाय हम 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी बताएंगे कि 1 1 पे क्या होता है। और CS हमारा चिप सेलेक्ट क्या रहेगा, ये जैसे कि नॉट होता है, हमने प्रीवियसली वीडियोस में भी बताया। तो ये जब 1 रहेगा जब ही रिएक्टिव रहेगा, और जब 0 रहेगा जब ये एक्टिव रहेगा। तो 00 00 00 00 एंड 0, उसके बाद ये 1 आएगा। एक केस हम लेंगे जिसमें ये चिप सेलेक्टर ऑफ हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आता है। तो जब हमारा चिप सेलेक्टर ऑन रहेगा 8 केसेस में, और हम क्या कर रहे हैं, पहले रीड कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, हमारा उल्टा हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रीड में हमारा नॉट लगा हुआ है, राइट में भी हमारा नॉट लगा हुआ है। 1 का मतलब ये ऑफ है, 1 का मतलब ये ऑफ है, और 0 का मतलब ये ऑन है, मतलब यहाँ पर रीड ऑफ है राइट ऑन है। 0 का मतलब 1 अगर नॉट लगा हुआ है राइट पे। तो हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। तो राइट इन काउंटर 0 क्या करेगा, ये इस स्टेज पे काउंटर 0 में ये राइट करेगा। उसके बाद जब 01 की कंडीशन आएगी A1 और A0 में, तो क्या आएगा, काउंटर वन में राइट करेगा। उसके बाद काउंटर 2 में राइट करेगा। उसके बाद हमने, जैसा कि जानते हैं कि 1 1 कंडीशन आती है जब ये क्या करता है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में राइट करता है। नाउ इसके बाद अब क्या हुआ, रीड प्रोसेस चालू हुआ है। जैसे कि देख रहे हैं हम राइट में आ रहे हैं 1, 1 का मतलब ऑफ हो गया है। आप यहाँ लिख सकते हैं डिनोट करने के लिए, जब हमारा नॉट होता है तो ये होता है ट्रू, या कहें ऑन, और जब 1 के ऊपर नॉट होता है तो हमारा ये 0 होता है, मतलब फॉल्स होता है, और ये होता है हमारा ऑफ। तो यहाँ पर हमारा रीड में आ गए 0, 0 मतलब ऑन। तो अब क्या होगा, रीड होगा चारों केसेस में, रीड होगा, सॉरी 3 केसेस में रीड होगा। बताते हैं अभी चौथे केस में रीड क्यों नहीं होगा। काउंटर 1 काउंटर 2 0 1 2, तीनों काउंटर्स में रीड हो गया। अब स्टेज आती है कि हमारा राइट नहीं हो रहा लेकिन रीड हो रहा है। रीड किस में हो रहा है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में रीड नहीं हो सकता है कभी भी। तो इस टाइम पे हमारा नो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में कोई भी चीज़ रीड नहीं होती, सिर्फ राइट होती है। क्या होती है, सिर्फ राइट। उसके बाद हमारी जब कंडीशन आती है कि चिप सेलेक्टर ऑफ है, तो कोई भी परफॉर्म नहीं होगा, ये भी रहेगा नो ऑपरेशन। तो ये था हमारा IC8253 एंड 8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम जब हमें काउंटर या टाइमिंग सर्किट यूज़ करना होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हो हमें हमारे चैनल या स्टडी से रिलेटेड, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।